एक दो दिन से सुन रहे हैं कि तालिब हुसैन जो कि आतंकवादी लश्कर ए तोयबा का निकला, जिसको गुलाबगढ़ में डिस्ट्रिक्ट 82 में वहां के जिंदा दिल लोगों ने और बड़ी एक तरीके से उसको पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। लेकिन कुछ समय से ये चर्चा चल रही है सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पे और नेशनल मीडिया में भी कि तालिब हुसैन जो था वो भारतीय जनता पार्टी का एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी सेल का आईटी सेल का इंचार्ज था। देखिए, आपको हम क्लैरिफाई कर दें कि भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल रिकॉर्ड में तालिब हुसैन ना तो प्राइमरी मेंबर है, ना बेसिक मेंबर है, बट टू टॉक ऑफ एक्टिव मेंबर। और ऐसा हुआ कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविंदर राणा जी, जो यूपी के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी, इनको वो एज ए जर्नलिस्ट एक दो बार इंटरव्यू करने आए और उस सिलसिले में उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई। लेकिन बाद में पता चला, जैसे उनकी अरेस्ट हुई है, वो लश्कर ए तोयबा से उनके ताल्लुकात निकले हैं, AK-47 उनसे रिकवर हुई है, कई ब्लास्ट में उनका नाम भी आया है, कि उनका बेसिक इंटेंशन ऑब्जेक्ट ये था कि वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस की रेखी करे और भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं उनकी मूवमेंट जो है आगे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस और यहां तक कि पाकिस्तान से भी शेयर करे। इस सिलसिले में एक कंस्पिरेसी हैच की गई और भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में उनका आना जाना बढ़ता गया। देखिए, श्री रविंद्र राणा जी जो हमेशा ही बढ़ चढ़ के पाकिस्तान के खिलाफ और उग्रवादियों के खिलाफ बोलते हैं, ऑलरेडी उनको मिलिटेंट्स की थ्रेट्स आई हैं, आप सोशल मीडिया पे भी आई हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस उनको आते हैं और कई लेटर्स भी आई हैं। ये उसी कड़ी में एक कॉन्स्पिरेसी थी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में घुस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो आज यूटी है उनकी मूवमेंट को वॉच किया जाए और आगे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से शेयर किया जाए। यहां तक बात रही आईटी सेल का पर्टिकुलर इंचार्ज बनाने की, मैं आपको फिर दोहरा दूं कि भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल रिकॉर्ड में उनका ऐसा कोई लेना देना नहीं है, उनको किसी ने आईटी सेल का इंचार्ज नहीं बनाया। कहीं से सुनने में आ रहा है हमारे माइनॉरिटी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं शेख बशीर जी कि उन्होंने अनऑफिशियली उनको ये चार्ज दिया था, लेकिन वो भी अभी क्लैरिफाई नहीं हुआ है। इस पर छानबीन चल रही है कि किस कैपेसिटी में वो क्लेम करते थे आईटी सेल के पर्टिकुलर बीन के इंचार्ज थे। तो मैं दोबारा आपसे क्लियर कर दूं, जो एक मिथ, एक ग्रे एरिया प्रिवेल कर रहा है कि तालिब हुसैन भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैंने आपको बता दिया वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से उसकी एसोसिएशन थी, उस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्स्पिरेसी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में उसकी एज ए जर्नलिस्ट एंट्री हुई और एंट्री की फ्रीक्वेंसी वो बढ़ती गई। इस सिलसिला में कई हमारे बड़े नेताओं के साथ उसके फोटोग्राफ भी आए, जिसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका कुछ लेना देना है। तो मैं एक बात और वाजे कर दूं, चूंकि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक मिलिटेंट घुसा एक जर्नलिस्ट की हैसियत से, तो मैं आज आपके माध्यम से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और पर्टिकुलरली एलजी साहब मनोज सिन्हा जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो यूटी के अध्यक्ष हैं और हमारे बाकी नेताओं की सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई जाए। सर, आपने कहा कि आप बिल्कुल भी एसोसिएटेड नहीं थे, तो क्या लगता है जो भारतीय जनता पार्टी के लेटर पैड पर ये पूरी तरह से वाजे किया गया उन्हें आईटी सेल का कोऑर्डिनेटर बनाया गया मीडिया का, तो क्या ये झूठे लेटर आप कर रहे हैं? आपके माध्यम से ऐसे कोई लोग हैं जो झूठे लेटर पैड आगे दे रहे हैं लोगों को? देखिए, मैंने आपको शुरू में बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल रिकॉर्ड में ऐसी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। किसी ने अपने लेवल पे उसको किसी मीडिया आईटी सेल का इंचार्ज बनाया हो तो उसकी तहकीकात, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उनकी इंक्वायरी भारतीय जनता पार्टी मैंने आपको शुरू में कह दिया कि सुनने में आया कि शेख बशीर साहब ने उनको अपॉइंट किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश के यूपी के आईटी के इंचार्ज हैं, उनसे ऐसी कोई कंसल्टेशन नहीं। मैंने आपको कहा कि बड़े नेताओं के साथ उनके फोटो वायरल हुए हैं, कल को किसी और का फोटो मेरे साथ वायरल हो जाएगा। क्या वहां पर भी वो ऐसे जर्नलिस्ट गए थे? बिल्कुल जर्नलिस्ट जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? जर्नलिस्ट को जिम्मेदारी दी जाती है सर, जर्नलिस्ट अगर कोई भी गया है तो उनको जिम्मेदारी दी जाती है। देखिए, जर्नलिस्ट तो
आया इंटरव्यू करने, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, सुनिए ना बात, सुनिए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में उनका आना जाना बढ़ता गया, तो किसी आईटी सेल के इंचार्ज के साथ उनकी एसोसिएशन बढ़ी, तो उन्होंने उनको कोई चार्ज दिया होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से ऐसा कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन ना पड़ा। राजस्थान में जो कन्हैया लाल पे जो निर्मम हत्या की गई है कन्हैया लाल में, उसमें भी जो दोषी है उसका भी ताल्लुकात जो है सोशल मीडिया पे और कई विपक्ष के नेताओं ने उस पर भी भाजपा का लीक जो है वो सामने दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया। देखिए मुझे तो ऐसा देखने में कहीं नहीं आया है। राजस्थान में जो उदयपुर में जो हत्या हुई है इसकी हम गौर निंदा करते हैं, लेकिन हमारे नोटिस में ऐसा कोई ना सोशल मीडिया ना प्रिंट मीडिया से आया। सोशल मीडिया पैटर्न्स पर ये वायरल हो रहा है, कई सोशल मीडिया पैटर्न बिल्कुल मैंने नहीं देखा। अगर आप मेरे से शेयर करें तो मैं इसमें आपको जवाब दे सकता हूँ। अभिनव जी, आप कह रहे हैं कि प्राइमरी मेंबरशिप जो है चाहे बाबू सामने रहे बशीर अहमद का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, उसमें उन्होंने ये खुद माना है कि हाँ हमने 9 तारीख को इनको 7 तारीख को जो है वो इनको मेंबरशिप दिया। अगर आप कह रहे हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को कोई जानकारी नहीं है, तो क्या बशीर अहमद पर कार्रवाई होगी? मैं आपको सिर्फ जानकारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ना वो प्राइमरी ना बेसिक एक्टिव मेंबर की तो बात छोड़िए, बिल्कुल नहीं है। अगर कोई शेख बशीर उनको कह रहे हैं कि उनको कहीं अपॉइंट किया है मीडिया का इंचार्ज, तो मैं आपको कह रहा हूं इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड में ऐसा कोई ऑर्डर कोई कम्युनिकेशन। क्या आप कहना चाहेंगे जो लेटर पैड है भाजपा ने हमारे पास फेक लेटर पैड बनाई है? मैं फेक लेटर पैड की बात नहीं कर रहा मैडम, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि शेख बशीर ने अगर उनको अपॉइंट किया है तो विदाउट कंसल्टेशन ऑफ द पार्टी प्रेसिडेंट, विदाउट कंसल्टेशन ऑफ द यूटी आईटी सेल इंचार्ज, इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी और पता चलेगा कि उन्होंने उनको अपॉइंट किया है कि नहीं। मैंने यही कहा आपको, भारतीय जनता पार्टी ने उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी। अगर शेख बशीर जी ने अपने लेवल पे उनको कोई जिम्मेदारी दी है उसकी तहकीकात उसकी इंक्वायरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पूछो